हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ DIY बॉटल्स। यहाँ पे मैंने दो बॉटल्स ली है और देन मैं इनको बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ, तो कि आप भी बहुत अच्छे से बना सकें। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्रेलिक कलर, और यहाँ पे मैंने लिया स्पंज की मदद से मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो। और आपने पहले देखा होगा मैंने पूरी बॉटल पर कवर कर दिया था, वो एक्चुअली क्या है, मैं भूल गई थी कि मुझे बीच में से होल रखना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक, मेरे पास एक पुराना काफ़ी पुराना कार्ड रखा था, उस पर ये ऐसे गणेश जी बने हुए थे। देन मैंने उसको बीच में से कट कर लिया और फिर उसके बाद में मैं इसके ऊपर उसको लगा दूँगी। तो यहाँ पे दोनों पे मैंने एक्रेलिक कलर कर लिया है। देन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा मोड पोज, और आप इसकी जगह लगा सकते हो फेविकॉल या ग्लू, कुछ भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो ग्लू गन नहीं लगाना है क्योंकि ग्लास बॉटल है, तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा गर्म, तो आप ये लगा सकते हो तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। और देन इसको मैं छोड़ दूँगी काफ़ी टाइम के लिए सूखने के लिए। और मैं यहाँ पे इसको सिर्फ एक ही तरफ से मैं इसको कर रही हूँ, पीछे के साइड से मैं इसको ओपन रखूँगी ताकि कभी मुझे लाइट्स लगानी पड़े या और कुछ मुझे डेकोरेट करना है तो मैं इसके पीछे की साइड डेकोरेट करूँगी, तो सामने सिर्फ ये करना है। देन ये है 3D ट्यूब, और ये बहुत ही आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अभी इसमें क्या है, थोड़ी ख़त्म हो गई है तो ये थोड़ा चल नहीं रहा है अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करके फिर चलाना पड़ रहा है। देन ये ड्राई हो गई है, एक्रेलिक वाइट लगाया है, तो एक के लिए मैंने रखा है येलो डार्क येलो कलर, और देन दूसरे के लिए मैंने रखा है पिंक कलर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब मैं स्पंज की मदद से ही कर रही हूँ, और इसको मैं लगा दूँगी अच्छे से, और इसको फिर मैं रात भर इसको छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। देन आप जितना आप इसको करोगे उतना ही ये कलर बहुत अच्छे से आएगा इसका। नहीं तो हम क्या होता है कई बार कि हम जो भी काम करते हैं और इसको ड्राई भी नहीं होने देते, उससे पहले ही हम इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेट करते हैं तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बस ये मैं स्पंज की मदद से लगा दूँगी, देन इसको सूखने दूँगी। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। अगर आप लोगों के कार्ड में किसी राधा कृष्ण की फ़ोटो है या किसी गणेश जी की फ़ोटो है या फिर कुछ और बना हुआ है, तो आप उसको भी कट करके आप ऐसे लगा सकते हो। देन क्या होता है, कार्ड थोड़ा मोटा होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है उसको आप अच्छे से निकाल लो, देन आगे का हिस्सा है उसको लगा दो, चिपका दो। तो मैंने उसको लगा दिया है, देन मैं उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट कलर ऐड किया है। देन यहाँ पे भी स्पंज की मदद से ही मैं इसको लगाऊंगी, और इसके ऊपर के साइड में लगाऊंगी गोल्डन कलर। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपकी इच्छा है कि आप कोई सा भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आपको कैसा कलर चाहिए बॉटल के लिए। तो ये बहुत ही ईजी बॉटल्स है, तो आप भी बहुत अच्छे से बना सकते हो। और जो भी कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, तो आप पता कर सकते हो कि मैंने कौन से कलर यूज़ किए हैं। देन इसके बाद में ऊपर भी मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ, और इसको भी मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सेकंड बॉटल के लिए। ये यहाँ पे मेरे पास रखी है एक कवर है एक बुक का, और उस पर ड्यूटी बनी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी ड्यूटी कट कर लूँगी, देन एक बड़ी है इस पर लिखा है ड्यूटी पाई। तो यहाँ पे मुझे इस बॉटल को ऐसे लगाना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देन मैं इसको मोड पोच से उसको लगाऊँगी, और ऊपर के अभी फेबिकॉल से लगाऊँगी, देन ऊपर मैं क्या करूँगी मोड पोच लगा दूँगी, थोड़ा सा शाइन आ जाएगा, और उसके बाद में मैं इसको चिपका दूँगी। तो ये बॉटल बहुत ही अच्छी लगी, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो और बहुत ही इजी बनेगी इस तरीके से। और मुझे तो ये बॉटल आइडिया अच्छा लगा, आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। और देन अगर आप इसमें थोड़ा सा और कुछ चाहते हो तो आप इसमें और कुछ भी लगा सकते हो, कर सकते हो, और पिक्चर्स इसमें ऐड कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर क्या किया है, ड्यूटी पाई है उसके अंदर एक पिक्चर है, देन छोटी छोटी दो पिक्चर्स है उनको भी मैंने लगा दिया है, और इसको मैं थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे बन गया है, और फिर उसके बाद में जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा
तो मैं इसको मोडपोच लगा दूंगी इसके ऊपर। और फिर इसके बाद में हमारी बॉटल रेडी है, इसके अंदर हम फेरी लाइट्स लगा सकते हैं, एज ए इसको बालकनी में रख सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लगाना है। देन सेकेंड बॉटल के लिए मैंने क्या किया है, येल्लो कलर, डार्क मस्टर्ड कलर शायद वो लगाया है। देन इस पर थोड़ा सा डिज़ाइंस दी है, तो आप देख सकते हो ऐसे। तो मैं छोटे छोटे इस पर डिटेलिंग कर रही हूँ। देन मैं आउटलाइनर भी इस पर करूँगी वाइट कलर का, और देन उसके बाद में वो भी मैंने बिल्कुल सिंपल की है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर धीरे धीरे कि मैं कैसे बना रही हूँ। अगर आपको कुछ और डिज़ाइन पसंद आती है तो आप उस तरीके से बना सकते हो। तो आई होप आपको मेरे ये वाले वीडियोस पसंद आए। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।